डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ पर चेतावनी नहीं सीधे कार्रवाई होगी। हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मानने की मानसिकता गलत। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, अब कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, अब सीधे कार्रवाई होगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी द्वारा विज्ञापन हटा लेने के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाने की मानसिकता अब नहीं चलने वाली है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि डाबर कंपनी का विवादित करवा चौथ का विज्ञापन हो या फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का मंगलसूत्र का आपत्तिजनक विज्ञापन हो या धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्में हो, अभी तक इन सब मामलों में चेतावनी दी गई। चेतावनी देने के बाद ये विज्ञापन वापस ले लिए गए, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दोबारा इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया तो यह माना जाएगा कि ये सब सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने पर चेतावनी नहीं दी जाएगी, सीधे कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन इस आजादी की आड़ में धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने प्रश्न किया कि केवल हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को टारगेट करना गलत है या नहीं, किसी अन्य धर्म को लेकर इस तरह के कृत्य करने की इन फिल्मकारों या डिजाइनरों की हिम्मत क्यों नहीं होती। गृह मंत्री ने कहा कि मेरी सभी से प्रार्थना है कि वह हिंदू धर्म के प्रतीकों को सॉफ्ट टारगेट बनाने की मानसिकता से बाहर आ जाएं, समानता का आचरण रखें, धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल जो डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी जी के द्वारा पोस्ट डाली गई थी, मेरे कहने के बाद उन्होंने उसे हटा लिया है, इसलिए वर्तमान में ये विषय का मैं पटाक्ष भी अपनी ओर से मानता हूं। लेकिन पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है, अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये और इनसे रिलेटेड इस तरह के जो भी लोग हों, भावनाओं के साथ आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।